क्या इलेक्ट्रिसिटी तारों, खंभों, बड़े बड़े टावरों या ट्रांसफार्मरों से पैदा होती है? अगर आप ये समझते हैं तो आप गलत हैं। आज मनुष्य बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता। हमारे घर में जो भी लाइट, पंखा, एसी, फ्रिज या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जो भी उपकरण हो, या इंडस्ट्री में कोई भी प्लांट मशीनरी हो, बिना इसके उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ और कैसे पैदा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रकाश, इलेक्ट्रिकल टिडबिट्स में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। आप इसे अंत तक देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट। जैसा कि आप देख सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट में मुख्य रूप से कोल को फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोल को जलाकर बॉयलर में पानी से स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम से टरबाइन रोटेट कराया जाता है, जिसमें अल्टरनेटर कनेक्टेड रहता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मेन एलिमेंट वाटर है। यूं कहे तो वाटर का फ्लो है। नदियों पर डैम बनाकर इसमें से एक टनल निकाली जाती है, जिसके दूसरे एंड पर टरबाइन होता है। वाटर के फोर्स से टरबाइन रोटेट होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो आइए अगले पावर प्लांट में चलते हैं। यह है सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट का मुख्य रिसोर्स सन है। यूं कहें तो सूर्य की किरणें हैं। सोलर पावर प्लांट में सोलर पैनल लगे होते हैं, जिनको फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। फोटोवोल्टिक सेल सनलाइट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। डीसी को इन्वर्टर के द्वारा एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जाता है और इसके बाद ट्रांसमिशन नेटवर्क में भेज दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट बहुत ही सिंपल है। नाम से ही पता चल जाता है कि इसका मुख्य रिसोर्स हवा है तथा इसका मुख्य एलिमेंट विंड मिल है। हवा के फ्लो से विंड मिल के ब्लेड्स विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और रोटर के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफार्म हो जाती है। आइए अगले पावर प्लांट की तरफ चलते हैं। अगला है जियो थर्मल पावर प्लांट। जियो थर्मल पावर प्लांट में दो वेल होते हैं, प्रोडक्शन वेल और दूसरा इंजेक्शन वेल। प्रोडक्शन वेल में अर्थ की हीट से उत्पन्न स्टीम द्वारा टरबाइन रोटेट होती है, जिसके थ्रू जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। टरबाइन से निकला हुआ स्टीम कंडेंसर में जाता है और कंडेंसर इस स्टीम को पानी में कन्वर्ट करके इसको फिर से इंजेक्शन वेल द्वारा अर्थ में पहुंचा देता है। यही प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो नेक्स्ट है ओशन पावर प्लांट। इसको ब्लू एनर्जी भी कहते हैं तथा इसको ओशनिक वेव एनर्जी भी कहते हैं। इसकी बेसिक थियोरी यह है कि लहरों से उत्पन्न काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पिस्टन है, एयर पिस्टन पंप और वाटर पिस्टन पंप। दोनों एक दूसरे से टी फ्लैंज एवं वैक्यूम वॉल्व द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब समुद्र में लहर उठती है तो यह वैक्यूम वॉल्व अप एंड डाउन ऑसिलेट करती है। इससे वाटर पिस्टन वाटर को टैंक में भेजता है
और एयर पिस्टन एयर को एयर कंप्रेसर टैंक में भेजता है, और दोनों अपने आउटलेट से बाहर आकर टरबाइन को रोटेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो आगे है बायोमास पावर प्लांट। बायोमास पावर प्लांट का मुख्य फ्यूल बायो वेस्ट होता है, जैसा कि एग्रीकल्चरल बायो प्रोडक्ट। बायो वेस्ट से उत्पन्न गैस को जलाकर स्टीम पैदा की जाती है, और उस स्टीम से टरबाइन रोटेट की जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और अंत में न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए मुख्य रूप से यूरेनियम-235 और थोरियम रॉड का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जिससे यूरेनियम के न्यूक्लियस का फिजन हो जाता है और हाई हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। इस हीट एनर्जी को हीट एक्सचेंजर के द्वारा पानी से स्टीम बनाई जाती है, और इस स्टीम से टरबाइन घूमती है। टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो आपने देखा ना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ और कैसे पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में पैदा होती है, और तारों, खंभों, बड़े बड़े टावरों और ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसके थ्रू आती है। दोस्तों, आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा, तो आप बेल आइकन दबाना मत भूलें।